जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 535 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 535 पद पर ये वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 19 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब जानकारी आप जानेंगे। साथ ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन PDF से भी पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही आप जान सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक किसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर गाइज रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको फॉर्म भरना है, वो जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए। तो गाइस रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने प्रोसेसिंग होकर के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जहां पर आपको वो ब्राउजर रिकमेंड किए गए जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होगा। तो आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा है पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट सिलेक्ट करता हूं। फिर आपको यहां पर आपका नाम, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम देना है। मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस यानी कि ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आपको कैप्चा कोड डालना है। और कैप्चा कोड डालने के बाद में एक ओटीपी आपके नंबर पर या ईमेल पर सेंड किया जाएगा। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो गाइस यहां पर आपको जो ओटीपी मिला है आपके नंबर या ईमेल पर, वो ओटीपी यहां पर डालना है। और डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी आपका यहां पर वेरीफाइड हो चुका है। अब आप डिक्लेरेशन पर आइए, नीचे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहां पर डालना है, जो कैप्चा कोड आपके सामने है। एंड री वेरीफाई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने भरी वो यहां पर दी गई, जैसे कि पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहां पर सभी के सामने आपको टिक कर देना है कि हां मैंने सभी जानकारी वेरीफाई कर ली है। और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर आई एग्री कीजिए और यहां से एक बार फिर से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर हो चुका है। अभी आप यहां से इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, कुछ आपको जानकारी यहां पर अब देनी है। तो जेंडर आपका क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, UR यानी कि जनरल, EWS, OBC, NCL, शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि
एसटी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल दी गई है। अब आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है, ये नाम आप यहाँ पर टेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे। एंड देन गाइज आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, यानी कि आपका मदर्स नेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बताना है कि मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, हिंदुइज्म इस्लाम सिखिज्म जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, तो आप यहाँ पर पहली चॉइस की सिटी को देना चाहते हैं इनमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड आपको किसको देना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और तीसरी चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आता है टेस्ट सिटी फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि जो आपका सेकेंड स्टेज का एग्जाम है उसमें आप पहली चॉइस की सिटी को देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इन्हीं सिटी पर आपका जो CBT 2 है वो होगा, तो आपको पहली सिलेक्ट करनी है, सेकंड सिलेक्ट करनी है, और फिर आप तीसरी चॉइस की सिटी को देना चाहते हैं वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगी कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक सर्विसमैन डिटेल, क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल इंप्लॉई है, अगर आप DFCCIL के तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल का सेक्शन है, जहाँ पर आपको पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट और टू के अंदर लिख देंगे, कुछ पार्ट लाइन फर्स्ट में और कुछ पार्ट लाइन टू में। फिर कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, अगर वो सेम है एक ही है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है। अगर एक ही है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, और इसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है, किस साल के अंदर आपने पास की है, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है, पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA, वही आपको सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपके नंबर थे। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो उसी का विकल्प आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी स्ट्रीम में, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना है कि आपकी ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन में है वो आप लिखिए, अगर आपकी सिंपल ग्रेजुएशन है जैसे कि BA BSc BCOM तो आप यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर किस डिग्री कॉलेज से किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से किया तो आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे इंस्टीट्यूट नेम में, और फिर यूनिवर्सिटी नेम के अंदर भी आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप यहाँ पर डिग्री कॉलेज का नाम लिखेंगे, और फिर वो डिग्री कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम के अंदर एंटर करेंगे। डेट ऑफ पासिंग कंप्लीशन, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर इस तरह से आइए, जो भी आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन आता है कि आपके नंबर किसके अंदर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। तो एग्जाम्पल के लिए नंबर मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल ऑब्टेंड मार्क्स यहाँ पर डालने हैं सभी ईयर के मिला करके, और कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे। नीचे कि आर यू करंटली वर्किंग, क्या आप कोई करंट में जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो सबसे पहले अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जानेंगे। आपको बोला है कि द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको एक प्री सेव्ड फोटो अपलोड करना है, और दूसरा होता है कि आप लाइव फोटो अपलोड करते हैं, बट यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है अभी के लिए। आप यहाँ पर जो आपका प्री सेव्ड फोटो यानी कि ऑटोमेटिकली आपके ऑलरेडी आपके डिवाइस के अंदर जो फोटो आपने सेव करके रखा है जिसका साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, और यही फोटो आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, फोटो की ओपन कीजिए, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए, व्यू अपलोड
कंप्लीट फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। एंड देन आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी आपका 50 से 80 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर आपकी फाइल है फोटो साइन की वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको भी व्यू कर लीजिए। अब आपका आता है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि जो आपका बायां अंगूठा है उसका निशान आपको अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPG, PDF इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है, आपका इमेज है इसका, वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी अगर उसका साइज पूरा होगा, और फिर आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है अपलोड योर स्कैंड 10th क्लास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, तो आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको भी व्यू कर लेंगे। देन गाइज बोला है अपलोड योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर एलिजिबल हुए हैं, तो आपको यहाँ पर आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपके पास उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर सर्टिफिकेट है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन करके उसको अपलोड कर दीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सेलेक्ट की है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप वो भी आपको अपलोड करना है। इसका साइज भी 100 से 1000 KB के बीच में रखा है, तो फाइल सेलेक्ट कीजिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट के, यहाँ से इसको अपलोड करके क्लोज कर दीजिए। आप फिर इसको व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लीजिएगा। अब आपके सामने डिक्लेरेशन है, आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है जो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एंड इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर ये जो आपके सामने कैप्चर कोड है वो एंटर कीजिए। ये एंटर करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक कर लीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री करना है। एंड इसके बाद में गाइज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप देख लीजिए फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर पहले ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पर अपनी फीस को जमा कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग DFCCIL एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।